हेलो दोस्तों, हानिया पावर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मूवी और मूवीज से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। दोस्तों, बात करेंगे जवान मूवी के। जवान मूवी 7 सितंबर को रिलीज हुई थी और जब से मूवी रिलीज हुई है तब से मूवी रुकने का नाम नहीं ले रही है, ताबड़तोड़ कमाई करती हुई जा रही है। बॉलीवुड के इतिहास की अब तक की जितनी मूवी बनी है उन सब मूवियों का रिकॉर्ड तोड़ती हुई जा रही है। यानी आज ये मूवी पठान मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी और गदर 2 का तो तोड़ ही चुकी है कई दिन पहले ही। ठीक है दोस्तों, और चलो वहीं बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है इटली की डायरेक्शन में ये मूवी बनी है। 250 करोड़ रुपये इस मूवी का बजट रखा गया है और इसकी जो प्रोड्यूसर हैं वो गौरी खान, जो कि शाहरुख खान की वाइफ हैं। शाहरुख खान के अनेक लुक मिले देखने को मिले हैं और विजय सेतुपति और नयनतारा इस मूवी के अंदर अहम किरदार में नज़र आए हैं। तो दोस्तों, बात करूं पूरे भारत के अंदर इस मूवी को 5500 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया है। वहीं बात करूं विदेशों के अंदर इसे 4500 स्क्रीन्स मिली हैं। यानी कुल मिला के बताया जाए तो 10000 स्क्रीन्स पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया था। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो 74.50 करोड़ रुपए की अर्निंग इस मूवी ने अपने पहले दिन ली और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो एक पहले दिन का था वो 129.07 करोड़ रुपए था। और वहीं 4 दिनों की बात करूं तो 4 दिनों के अंदर इस मूवी ने 290 करोड़ रुपए का आंकड़ा कंप्लीट कर लिया और 540 करोड़ रुपए इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका था। यानी इस मूवी ने चौथे दिन 82 करोड़ रुपए कमाकर 290 करोड़ रुपए का आंकड़ा कंप्लीट कर लिया। अब तक के इतिहास की ऐसी कोई भी मूवी नहीं बनी है जिस मूवी ने 82 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया हो एक दिन का। ठीक है दोस्तों, और वहीं बात करूं 5वें दिन इस मूवी ने 32 करोड़ रुपए, 6ठे दिन 26 करोड़, 7वें दिन 23.50 करोड़ रुपए। यानी एक हफ्ते के अंदर इस मूवी ने 375 करोड़ रुपए का आंकड़ा कंप्लीट कर लिया। वहीं वर्ल्ड वाइड 660 करोड़ रुपए का हो गया। और वहीं 8वें दिन इस मूवी ने 20 करोड़, 9वें दिन 21 करोड़, 10वें दिन 32 करोड़ और 10 दिनों के अंदर इस मूवी ने 441 करोड़ रुपए का आंकड़ा कंप्लीट कर लिया जो, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा वो 790 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, ये आंकड़ा गदर मूवी ने 15 दिन में कंप्लीट किया था और इस मूवी ने अपने 10 दिनों के अंदर ही ये आंकड़ा कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, बात करूं 11वें दिन की, 11वें दिन इस मूवी ने 38 करोड़ रुपए की अर्निंग की, 12वें दिन 16 करोड़ की और 13वें दिन 14 करोड़ की और 14वें दिन यानी कल इस मूवी ने 11 करोड़ रुपए की अर्निंग की। और आज जो ऑक्यूपेंसी नज़र आ रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज ये मूवी लगभग 10 करोड़ रुपए अर्न करती हुई नज़र आ रही है। और वैसे कुल मिला के देखा जाए तो इस मूवी के जो अब तक का कलेक्शन हो जाएगा आज तक का वो 529 से लेके 530 करोड़ के लगभग हो सकता है, 530 करोड़ रुपए हो सकता है। अपने 15 दिनों के अंदर ये मूवी 530 करोड़ रुपए कमा चुकी है और 942 करोड़ रुपए इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है। और जो कि अपने 41वें जो गदर 2 है वो अब तक 500 इस आंकड़े तक पहुंची ही नहीं है, 529, ठीक है, 529 करोड़ के आंकड़े तक तो अभी गदर 2 पहुंची ही नहीं है, जो कि इस मूवी से पहले रिलीज हुई थी, वो 11 अगस्त को रिलीज हुई थी। ठीक है, वैसे गदर 2 3800 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी और ये मूवी 10000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। यानी इतना बड़ा डिफरेंस है इनकी स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, और भाई आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आए मूवी से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है।